नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच चिराग पासवान ने ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय को किया संबोधित। आपको बता दें, खुद को मोदी के हनुमान बताने वाले रामविलास लोजपा चीफ चिराग पासवान ने ईद के मौके पर मुसलमान समुदाय को साधने की कोशिश की है और ये कहा है कि ये मेरी शपथ है, मैं मुस्लिमों के हितों के लिए समर्पित रहूंगा। चिराग पासवान ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार ईद ऐसे मौके पर आई है जब चुनाव सामने है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि आप सभी का विशेष योगदान रहे। मेरे पिता ने मुझे धर्मनिरपेक्षता का बल दिया, उन्होंने आपकी आवाज बुलंद करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि मैं आपके हक की लड़ाई का पहरेदार बनूंगा, आपके हितों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा और ये मेरी शपथ है। ईद पर आया हूं और आपका साथ मांगने आया हूं। बता दें कि इसी दौरान उन्होंने RJD की उम्मीदवार मीसा भारती के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति है, अगर उनके पास कोई आरोप है तो आरोप लगाए। साल 2004 में UPA सरकार में हमने एक के बाद एक घोटालों को देखा और जो कार्रवाई हुई है वो उन घोटालों के आधार पर हुई है। ये सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है और आप बिना किसी आधार पर ये बात कहते हैं तो वो बदले की भावना को दिखाता है, जो बदले की पॉलिटिक्स दिखाई देती है जो कि गलत है। जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में NDA के सीट बंटवारे में चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी हैं। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि चिराग पासवान के पिता दिग्वंत रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार उम्मीदवार रह चुके हैं, सांसद रह चुके। इसी तरह की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।